मुल्क भर में तूफानी बारिशें, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में खवातीन समेत 16 अफराद जान की बाजी हार गए, दर्जनों जख्मी। लाहौर में एक बार फिर से बारिश, खैबर पख्तूनख्वा में नदी नाले बहर गए। चित्राल में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरतहाल। बोनीगोल में हालात अबतर, पुल बह जाने से मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। तहसील दरोश में लैंड स्लाइडिंग से मुतअद्दिद मकानात मुनहदम। वज़ीरिस्तान टाक शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद, करक के नदी नालों में भी तुफ़ानी। सिंध में मूसलाधार बारिशों से जल थल एक, हर तरफ पानी का राज। कोट डीजी में सैलाबी रेले, हिफाजती बंद बहाले गए। दर्जनों देहात पानी में गुम, लोग नकल मकानी पर मजबूर। जामशोरों में पानी घरों में दाखिल, मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। घड़ी खैरों में कच्चे मकानात और झोंपड़ियों को नुकसान, नवाबशाह, सैदाद कोट, मीरपुर खास, नौशहरा फिरोज, भिट शाह और टंडू अलायार के नशेबी इलाकों पर पानी का कब्जा। कई नहरों में शगाफ पड़ गए। महरापुर में मैयत को बरसाती पानी से ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का वाटर कॉरपोरेशन में हंगामी इजलास। शहर भर में सेवरेज की सूरतहाल पर शदीद इशारे पर हमी। महकमे सेवरेज के अफसरान की कारकर्दगी पर गुस्से का इजहार भी किया। मेयर कराची ने गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मखसूस नशस्तों पर अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीरे इत्तला'आत अता ताडर की मीडिया से गुफ्तगू का हाई एकतरफा रिलीफ से पूरे मुल्क में आइनों कानून को धचका लगेगा। क्या मुस्तकबिल में भी इस फैसले को जवाब बनाकर फ्लोर क्रॉसिंग या पार्टी तब्दील की जा सकेगी? जस्टिस ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वजूद ही नहीं, 15 रोज गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला क्यों नहीं आया? मौजूदा जज साहिबान के उठाए गए एतराजात पर जवाब आना बहुत जरूरी है। जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची के बाद लाहौर में भी धरने का ऐलान। लियाकत बलोच का आईपीपीस मुआहदों की तफसीलात और ऑडिटर जनरल की सालाना रिपोर्ट जारी करने का ऐलान। कहा, आईपीपीस मुआहदे आवाम के लिए फंदा बन चुके, फौरी नजर सानी की जाए। सिंध कामरान टिसोरी का जमात इस्लामी के धरना मुजाहरीन को खाना भिजवाने का ऐलान। धरना मुजाहरीन को खाने में बिरयानी भेजी जाएगी। गवर्नर सिंध का कहना था, मुजाहरीन मेरे मेहमान और सिंध के बासी हैं, खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। धरने के सबब जो काम पर नहीं जा सकते उनके अहले खाना के लिए राशन भी फराहम किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए गद्दाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जारी। ज़रा के मुताबिक संग बुनियाद की तकरीब के लिए वज़ीरे आज़म को मदऊ कर लिया गया। तकरीब कल होने का इम्कान। अपग्रेडेशन में गद्दाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग और दो इंक्लोयर्स शामिल। मेन बिल्डिंग को जून में गिराया गया था।